का व्लॉग देख सकते हो अपने रूम पे लोने रह के। यहाँ के रास्ते वगैरह बहुत खराब है, तो साइकिल इज द बेस्ट। गंदी भी हो गई इसको, पुलिस की गाड़ी। और यहाँ पे डैम है, तो ये जो रास्ता है ना अभी अभी बना है। व्लॉग में जो है वैसा बोला कर, क्योंकि अपना डेली व्लॉग है ना। हे गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। सो गाइस, आज का व्लॉग यहाँ पे स्टार्ट हो चुका है, और आज का व्लॉग स्पेशली स्टार्ट हुआ है अपने डीबाटू यूनिवर्सिटी के यहाँ पे रूम पे। तो अभी थोड़ा सा सोने के बाद मैं यहाँ पे उठ चुका हूँ, और उठने के बाद मुझे पता चला कि भाई यार अपना एक व्लॉगिंग चैनल भी है, तो उसके लिए थोड़ा सा अभी यार व्लॉग स्टार्ट कर दिया। और गाइज, आज हमारे रूम में बस मैं हूँ और चिन्मय है, और पीयूष तो कुछ दिनों के बाद आने वाला है, बिकॉज यार नागपुर से जो आता है यार उनको तो बहुत तकलीफ होती है, और सोचो यार नागपुर कितना दूर है। और आज का व्लॉग देख सकते हो अपने रूम पे लोने रेके। ऑल राइट गाइज, अभी निकलते हैं, टाइम बीत चुका है भाई, निकलने का टाइम आ चुका है बाहर। और यहाँ पे देखो भाई मौसम, अभी ऑलमोस्ट 6:30 बज रहे, और सामने की तरफ देखो कितने प्यारे बादल नजर आ रहे हैं भाई साहब। तो वही प्रॉब्लम आ रहा है रूम नीचे होने का। हमारे घर के अंदर इतने सारे ताले भाई साहब, यहाँ पे है ताला। गाइज, अभी मैं जा रहा हूँ हर्षल के रूम पे, और साइकिल भी उसके रूम पे रखी थी, बिकॉज मैं मुंबई को गया था ना यार, बीच में आया था, तो इसकी वजह से अभी उसके रूम से साइकिल लेना पड़ेगा। उनसे साइकिल लेने के बाद हम जाएंगे भाई साइकिल चलाने। बाइक की पूरी वाट लग जाती है, यहाँ के रास्ते वगैरह बहुत खराब है, तो साइकिल इज द बेस्ट। और भाई साहब कैसे हो जनाब? 15 से 20 दिन हो गए। गंदी भी हो गई, इसको धो के लाना पड़ेगा। यहाँ पे कुछ होना हो, एक साइकिल तो होना चाहिए यार, वो बहुत यूज आते हैं। हनुमान जी के गाने चल रहे हैं वहाँ पे। और यार यहाँ की सड़कें मतलब कि कभी ठीक होने वाली है कि नहीं क्या पता यार, मतलब कि ये देखो भाई यहाँ पे गाइस कैसे लाइटिंग्स वगैरह लगाई है, देखो बादल देखो कितने बढ़िया नजर आ रहे, पूरा येलो येलो नजर आ रहा है। वीडियो में आई डोंट नो कैसा आ रहा है, पर यार सही आ रहा है। गाइस लगता है शायद थोड़ा देर हो गया, सनसेट तो यार हो चुका है। जब मैं हर्षल के यहाँ पे गया था ना साइकिल लेने के लिए, उसी चक्कर में यार सनसेट देखना ही रह गया, और अभी तो यार कुछ दिखाई नहीं दे रहा। यहाँ से जाता है कॉलेज का रास्ता, और अभी हम थोड़ा सा घूमने के लिए यहाँ पे जा रहे। और गाइस मैं ऐसे रेगुलर कभी जाता नहीं साइकिलिंग करने के लिए यहाँ पे, और मोस्ट ऑफ द यार यहाँ पे मैं कभी जाऊँगा भी नहीं, बिकॉज यहाँ पे सब अनसेफ है यार, अकेले में कहीं पे मत जाना यार, बिकॉज एक कैंपस एरिया इतना डेवलप नहीं है उसकी वजह से यार, वरना तो यार जगह तो बहुत अच्छी है। पुलिस की गाड़ी, उसके आगे फॉर्चुनर भाई, लगता है कोई बड़े सर जा रहे। ये है कॉलेज हॉस्टल का रास्ता, बट अभी हम जा रहे थोड़ा सा आगे की तरफ। यहाँ के जो पेड़ पौधे है ना, बारिश के वक्त इतने ग्रीन ग्रीन लगते हैं ना भाई, यहाँ पे चलने का भी इतना मजा आता है, बट यार वो मजा यहाँ पे विंटर में बिल्कुल भी नहीं है, बिकॉज सब कुछ सूख जाता है, और कुछ ही पेड़ ऐसे रहते हैं जो ग्रीन रहते हैं। बारिश के मौसम में अगर मैं यहाँ पे रहूंगा ना, आपको जरूर दिखाऊंगा भाई कैसा वेदर रहता है। यहाँ से पिछली बार इतना खूबसूरत सनराइज देखा था ना, वो मैं कभी भूल नहीं सकता यार, बिकॉज वो मेरा फर्स्ट टाइम था। और यहाँ पे डैम है, वहाँ पे अपना कॉलेज है, जो कि यहाँ से छोटा दिखाई दे रहा है, पर सामने से जाओगे तो यार बहुत बड़ा है कैंपस। थोड़ी सी साइकिलिंग करते हैं और आप आसपास का नजारा देखिए सिनेमैटिक के थ्रू। और गाइस अभी जा रहे हैं छत्रपति शिवाजी महाराज नगर पे, और यहाँ पे हो रही है श्री हनुमान जयंती, तो वहाँ पे कोई पहचान का भी नहीं था, तो भाई मैं तो ऐसे पैर पड़ के निकल गया वहाँ से। और गाइस वो वाली जगह तो एकदम ही अननोन है, मुझे लगा थोड़ी सी पहचान वाली जगह होगी, बट यार वैसा कुछ नहीं था। खाना भी हो चुका है, आज बहुत दिनों के बाद हमारे मेस का खाना खाने के लिए मिला, और जैसे कि देखा जाए तो हमारे मेस में आजकल स्टूडेंट भी बहुत कम आ रहे, बिकॉज तीन दिन कल के 3 दिन छुट्टी लगातार। भाई साहब यहाँ पे गाड़ियाँ देखो कितने बड़े बड़े आते रहते हैं, क्या हाल चाल? अभी तो ठीक ठाक है। चिन्मय भाई क्या कहना चाहोगे? मस्त एकदम। लगातार 3 दिन छुट्टियां है, आगे के 3 दिन, तो इसकी वजह से सारे लोग घर जा रहे हैं। देखा जाए तो खाना खाने के बाद घूमा जाता है, रखते से और निकलते हैं रूम पे। और गाइस बहुत लोग ऐसे हैं जो कि आज घर जा रहे हैं और 3 दिनों के बाद वापस आएंगे, बिकॉज 3 दिन छुट्टियां है। The next day. So, जैसे कि नया दिन शुरू हो चुका है, और नए दिन की शुरुआत हम कर रहे हैं भाई दिन ढलने के वक्त, बिकॉज यार अभी मस्त सनसेट हो रहा होगा। धूप बहुत ज्यादा होने की वजह से यार आदमी बीमार पड़ सकता है भाई, इतनी खतरनाक वाली धूप होती है, पूरा खाली बिल्कुल भी लोग ही नजर ही नहीं आते भाई लोग। और सी दिस इज गाइस अपना दोस्त, इसको भाई जाने ही नहीं दिया मैंने। तू घर नहीं गया था ना वैसे? नहीं नहीं गया। अच्छा, बाकी सब दोस्त गए। बाकी घर के कैसे? अच्छे। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जयंती 14 अप्रैल, जो कि हमारे कॉलेज में इतनी बढ़िया होने वाली है ना, देखते जाओ बस। अगर मैं यहाँ पे रहूंगा ना उस वक्त, तो आपको जरूर दिखाऊंगा। ये क्या कर दिया तूने? ऑटोग्राफ पूरी बुक खराब कर दी तूने भाई, अभी अभी तो शुरू किया था। रख इधर।
भाई असली वेदर तो भाई इसे बोलते हैं, समझा। सनसेट विनसेट छोड़, आज का इधर खाऊगा, आज तेरी तरफ से कुछ तो। भाई हाईवे तो पूरा काम चालू है यहाँ पे जोर शोर से, और गाइस यहाँ पे भी रिक्शा स्टैंड। सबसे बेस्ट यहाँ का वड़ा पाव खा सकते हैं, पर यार वड़ा पाव से बहुत बोर हो गया रे, कुछ ऑप्शन है क्या दूसरा। भाई कितना खतरनाक सनसेट दिख रहा है यहाँ से, और वहां से इतना खूबसूरत मतलब की रोशनी आ रही है ना। अभी आ चुके हैं आइसक्रीम खाने के लिए, यहाँ पे सब कुछ फ्लेवर है, अपनी आइसक्रीम यहाँ पे है भाई, आइसक्रीम तो मस्त है। सो गाइस आइसक्रीम खाने के बाद अभी हम आ चुके हैं ऐसी जगह पे जो कि आपको दिखाते हैं भाई, मतलब कि देख सकते हो ये जो रास्ता है ना अभी अभी बना है। इसका बोलना है कि व्लॉग में जो है वैसा बोला कर, रियलिटी ज्यादा चाहिए। अरे तो वही तो बोलता हूँ भाई मैं। हाँ वही सही, ऐसा सोच मत कि मैं कुछ नकली दिखाता हूँ भाई, क्योंकि अपना डेली व्लॉग है ना। डेली व्लॉग में गाइस क्या ही नकली बताऊँ अभी आपको, जो होता है वो सब असली होता है। लोगों के जो रास्ते पे घर थे ना, उनका मतलब कि आधा मकान रास्ते पे जा चुका है, इसका फायदा यार लोगों को बहुत होता है। और गाइस लोनेरे वहाँ पे है, और हम वहाँ से थोड़ा यहाँ पे आ चुके हैं, यहाँ पे सड़क बनी है ना, तो इसकी वजह से तो बैठने के लिए थोड़ा सही है। और गाइस यहाँ के कुछ लोग देखो कैसे रहते हैं, मतलब कि झोपड़ी डाल के वहाँ पे आग लगा के। सो गाइस अभी यहाँ पे रात के 11 बजने के लिए आ गए, और यार यहाँ पे हल्की हल्की बारिश भी होने लगी। अचानक ही वेदर में बदलाव आने के बाद यहाँ पे एकदम मौसम ठंडा हो गया, और मैं वहाँ पे बाहर गया था तो व्लॉग नहीं बना पाया। फिलहाल इस वाले व्लॉग को यहाँ पे समाप्त करने का टाइम आ चुका है, जैसे तैसे यार मैंने छोटा सा व्लॉग बना दिया, और वैसे भी यहाँ पे ज्यादा अपने दोस्त नहीं है, और जितने हैं उनके साथ थोड़ा थोड़ा व्लॉग बना के अपने चलता रहता है। फिलहाल इस वाले व्लॉग को यहाँ पे समाप्त करते हैं, थैंक्स फॉर बीइंग पार्ट ऑफ माय लाइफ, मिलते हैं अगले व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय। दिख चुका है फाइनली भाई, क्या खतरनाक